Good morning students, you are welcome in RCI Education Hub. Today we are going to start a new topic, that is venation in the leaf or venation of leaf. अपन देखते हैं कि venation होता क्या है. This is we have leaf. अपने पास में जो है एक leaf है. Leaf के अंदर से जो midrib जा रही है, मिड्रिप से जो फिर वेन्स निकल रही हैं, वेन्स से फिर वेनलेट्स निकल रही हैं, कंटिन्यूसली ये जो ये चीज़ होती जा रही है इसके अंदर. पहले मिड्रिप से फिर वेन्स रन कर रही है, वेन्स से जो है फिर वेनलेट्स रन कर रही है. तो ये लेमिना के अंदर लीव ये जो है वेन्स अरेंजमेंट किस तरीके से वेन्स अरेंज है, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन लेमिना और लीव, दिस इज टर्म्ड एज वेनेशन. लीव के अंदर वेन्स स्कैटर्ड है बट वो एक पर्टिकुलर वे के अंदर पाई जा रही है. सो वी कैन से अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन लेमिना और लीव इज नोन एज वेनेशन. अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन लीव ब्लेड इज नोन एज वेनेशन. बेसिकली जो है वेनेशन दो टाइप का होता है. नंबर वन इज पैरेलल वेनेशन एंड नंबर सेकंड इज रेटिकुलेट वेनेशन. कि जो लीव्स हैं उनके अंदर वेन्स जो है आपस में स्कैटर होके एक जो है नेटवर्क बना सकती हैं, एक जाल बना सकती हैं, दैट इज रेटिकुलेट. और मे बी पैरेलल भी पाई जा सकती हैं, मे बी पैरेलल टू ईच अदर, दैट इज नोन एज पैरेलल वेनेशन. सो वी आर गोइंग टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ बोथ टाइप ऑफ वेनेशन. अपन दोनों टाइप के वेनेशन की जो है स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने वाले हैं कि पैरेलल वेनेशन में तो क्या होता है और रेटिकुलर वेनेशन में तो क्या होता है. सो वी हैव दिस लीफ, दिस इज मिड्रिप. मिड्रिप से वेन्स निकल रही है, वेन्स से वेनलेट निकल रही है. अब ये जो है आपस में निकल कर लीफ के अंदर एक नेटवर्क बना रही है. क्या बना रही है आपस के अंदर एक नेटवर्क बना रही है या फिर एक जाल जैसे स्ट्रक्चर बना रही है. दैट टाइप ऑफ वेनेशन इज नोन एज रेटिकुलेट वेनेशन. अपने सराउंडिंग के अंदर मोस्ट ऑफ द जितने भी प्लांट्स होते हैं लगभग ज़्यादातर प्लांट्स के अंदर अपन को जो है रेटिकुलेट वेनेशन को देखने को मिलता है. वेन्स जो है एक नेटवर्क के फॉर्म के अंदर पाई जाती है. इसकी एग्जाम्पल वैसे देखा जाए तो सारे के सारे डाइकोट प्लांट्स होते हैं. मतलब कि ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर जिनके सीड के अंदर दो कोटिलेडन्स पाए जाते हैं. द प्लांट्स आर डाइकोट प्लांट. और डाइकोट प्लांट्स किसका एग्जांपल है, रेटिकुलेट वेनेशन का एग्जांपल है. तो रेटिकुलेट वेनेशन जो है मेनली डाइकोट प्लांट के अंदर देखने को मिलता है. जिसके भी एग्जांपल अगर हम देखें तो मस्टर्ड, बैनियन, पीपल, इसके अलावा चना, ग्राम, ये सारे के सारे जो है इसके एग्जाम्पल हैं रेटिकुलेट वेनेशन के. अब बात करते हैं अपन सेकेंड टाइप, दैट इज पैरेलल वेनेशन. पैरेलल वेनेशन के अंदर क्या होता है, दिस इज द लीफ ब्लेड. व्हाट इज दिस, दिस इज लीफ ब्लेड, दिस इज मिड्रिप. लीफ के अंदर जो है बीच के अंदर मोटी स्ट्रक्चर वर्क कर रही है, दैट इज मिड्रिप. और मिड्रिप से जो वेन्स निकल रही है, दीज वेन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे की पैरेलल है. वेन्स जो है एक पर्टिकुलर वे के अंदर पाई जा रही है एंड ईच वेन इज पैरेलल टू ईच अदर. That type of venation is known as parallel venation. और parallel venation जो है अपन को जितने भी monopod plants होते हैं, जितने भी monopod plants होते हैं, monopod plants के अंदर अपन को parallel venation देखने को मिलता है. अब actually इसके example भी रखे हैं like maize, rice, वीट, ये सारे के सारे मोनोकोट प्लांट्स हैं. मोनोकोट ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर जो है सीड के अंदर केवल एक ही कोटिलेडन पाया जाता है, जो कि आपको मैम ने पढ़ाया भी होगा इन द प्लांटिंग किंगडम. जैसे एंजियोस्पर्म ने पढ़ा था, तो एंजियोस्पर्म्स के अंदर एंजियोस्पर्म का क्लासिफिकेशन दे रखा था, जिसके अंदर एंजियोस्पर्म्स को जो है दो बड़े ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर रखा है, मोनोकोट एंड डायकोट. तो मोनोकोट के अंदर तो जो है पैरेलल वेनेशन पाया जाता है और डायकोट के अंदर जो है रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है. और वेन्स के अंदर जो है जनरली वेस्कुलर टिश्यूज रन करते हैं और वेस्कुलर टिश्यूज का फंक्शन होता ही है कंडक्शन ऑफ वाटर, मिनरल एंड फूड.
इट मींस द फूड वाटर एंड मिनरल्स आर सप्लाइंग इन द वेन्स, पत्ती के अंदर जो है वेन्स के अंदर ये सप्लाई होती रहती है. सो दैट वाज ऑल अबाउट द वेनेशन. फिर से एक बार देख लेते हैं, अरेंजमेंट ऑफ वेन इज वेनेशन. इट इज ऑफ टू टाइप, रेटिकुलेट एंड पैनल. रेटिकुलेट का एग्जांपल है डायकोट प्लांट्स और पैनल के एग्जांपल्स है मोनोकोट प्लांट्स. ओके, थैंक यू.